हाय डियर गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी सभी की फेवरेट आलू के पराठे। चले बनाते हैं। एक पैन में 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल गरम करके उसमें शामिल की 1 अदद फाइनली चॉप प्याज, साथ शामिल किया 1 टीस्पून ज़ीरा। अच्छे से फ्राई किया, कलर हल्का सा चेंज हुआ तो इसमें शामिल की 4 अदद हरी मिर्चें फाइनली चॉप, और फिर इसके अंदर शामिल की 3 अदद हरी प्याज, ये भी फाइनली चॉप है। साथ शामिल किया 1/2 गड्डी हरा धनिया, ये भी फाइनली चॉप। इनको किया अच्छे से मिक्स। फिर इसके अंदर शामिल किए 3 अदद टमाटर, और ये हैं 3 अदद चॉप किए हुए टमाटर, इनकी स्किन रिमूव कर ली है। फिर इसमें शामिल किया है 1.5 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। फिर इसमें शामिल की 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, गिव इट अ नाइस मिक्स। देन इसमें शामिल की 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, अच्छे से किया मिक्स, और टमाटर गल जाने तक इसको पकाना है। मसाला अच्छे से भुन गया है और टमाटर भी गल गए हैं। इसके अंदर शामिल कर दिए हैं 1/2 kg बॉयल पोटैटोज मैश किए हुए, और इन आलूओं को अच्छे से मिक्स करना है इस मसाले में। और ये देखिए जी, कितना मज़ेदार लग रहा है दिखने में ही। फ्लेम को किया है ऑफ और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। अब यहाँ पेड़े बना लिए हैं आटे के छोटे छोटे से, ये देखिए इस तरह से, नॉर्मली जिस तरह हम घर में बनाते हैं ये बनाकर रख लिए हैं। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये हैं वो पेड़े, इनको हल्का सा बेल लिया है और इनके ऊपर लगाना है सबसे पहले ऑयल, ये देखें इस तरह से। फिर इसके ऊपर स्प्रेड करना है आलू का कुर्ता जो हमने तैयार किया है। देन ये जो सेकंड वाली रोटी है इसको इसके ऊपर लगा देना है और इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। फिर इसको हल्की सी खुश्की लगा कर बेल लेंगे। ये देखें जी, बहुत इजीली हो गया है ये। अब इस रोटी को हम फ्राई करेंगे तवे पर, और इसके ऊपर अब लगाएंगे हम ऑयल। मैंने इसके ऊपर लगाया है 2 टेबल स्पून ऑयल, ये देखें नीचे से पक गई है रोटी, तो इसको हम पलट लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार पराठे बने हैं, आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से बनाएंगे अगर आप, जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया है, तो बहुत ही मज़ेदार आलू के पराठे बनेंगे। सब आपकी तारीफ़ करेंगे, कितने अच्छे पराठे बनाए हैं आपने। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। पराठा अच्छे से फ्राई हो गया है, सर्व किया है, इन्जॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।